क्योंकि इस कॉलेज को बनाया है IIT रुड़की के एलम्स ने। सारे स्टूडेंट्स को मैकबुक M2 प्रो मिलने वाला है यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अगर आप खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो ना, तो वो भी कर सकते हो, और फंडिंग कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी, वो भी up to 1 crore। ये मतलब ऑलमोस्ट फ्री में आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। हर रूम में AC है ना? हर रूम में AC है, स्पेशियस है रूम। आप देख सकते हो आपको काफी सारे मैक्स देखने को मिल जाएंगे। हाय गाइस, वेलकम आप सभी का इस नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ रांची एयरपोर्ट में और मैं जा रहा हूँ कॉलेज, अपने कॉलेज IIT बॉम्बे नहीं लेकिन एक ऐसे कॉलेज जहाँ से मुझे इनविटेशन मिला है, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस कॉलेज को बनाया है IIT रुड़की के एलम्स ने। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि IITians जो कि ऑलरेडी इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए किस तरीके का कॉलेज बनाया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हर चीज़ दिखाऊंगा, हॉस्टल कैसे है, मेस कैसा है, पढ़ाई कैसा है, प्लेसमेंट वगैरह कैसे होते हैं। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, बहुत एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। चलो अब आगे चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉलेज कौन सा है, तो ये कॉलेज है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अपना फर्स्ट रेसिडेंशियल बैचलर्स का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस और AI के लिए। एंड ये लोकेटेड है ऋषि ओडी यूनिवर्सिटी में, जो कि दिल्ली NCR में आता है। एंड चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है एंड अब यहां से बस कैब लेना है और कॉलेज की तरफ जाना है ना, तो चलो कॉलेज में चलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो यार, दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुके हैं अभी हम लोग और मैं बैठ चुका हूँ कैब में, एंड यहाँ से हम लोग सीधे अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे जो कि है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चलो वहाँ पे चलते हैं एंड उसके बाद आपसे मिलते हैं, सब कुछ दिखाते हैं आपको। तो फाइनली यार हम पहुंच चुके हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस में एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए कि ये कॉलेज आखिर है कैसा, मैथ्स कैसा है, आपकी पढ़ाई कैसी है, कंप्यूटर लैब्स कैसे हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आपके लिए, तो बिल्कुल मिस मत करना, एंड तक देखना क्योंकि आपको एक अच्छे कॉलेज को सिलेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है एंड ये कॉलेज आपका भी हो सकता है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आपको डिजिटल मीडिया लैब के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पे आपको एप्पल के ढेर सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मैक्स वगैरह भी है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप कोडर हो या फिर आप डिज़ाइन वगैरह के स्टूडेंट हो, तो आपको हर सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। आप देख सकते हो आपको काफ़ी सारे मैक्स देखने को मिल जाएंगे, इसमें आपको हर सॉफ्टवेयर AI चाहे आपको चलाना हो, कोडिंग करनी हो, या आप डिज़ाइन के स्टूडेंट हो तो भी आपको सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास एक स्टूडेंट है डिज़ाइन की, सी इज डूइंग समथिंग। तो व्हाट आर यू डूइंग? हाय, सो आई एम बेसिकली डिस्टॉर्टिंग अ नॉर्मल इमेज व्हिच इज ऑफ अ सेलिब्रिटी। ओके, इनटू पॉलीगॉन्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ओके, आप देख सकते हो, मतलब दूर से देखने से तो बिल्कुल ओरिजिनल लगता है कि कोई फोटो ही है, बाकी इनकी मेहनत है। थैंक यू सो मच यार। चलो अब आपको मैं मेस के अंदर लेके चलता हूँ, क्योंकि देखो खाना पीना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो मेस के अंदर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि मेस कैसा है और आज क्या बना है स्नैक्स के लिए। यार अभी हम लोग आ चुके हैं मेस एरिया में एंड आज स्नैक्स के लिए फ्रेंच फ्राइज है, साथ में आपको टी, कॉफ़ी, मिल्क जो भी लेना होता है आप ले सकते हो। तो चलो वो आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। मैस तो मैंने आपको दिखाई दिया, अब मान लो मैस बंद हो गया तब क्या खाओगे? तो मैस बंद हो गया तो भी कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके लिए शॉप्स खुले रहते हैं, कैंटीन्स है जहाँ पे आराम से आप इस तरीके से बैठ के जो भी आपको मन हो खाने का वो खा सकते हो। एंड हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो अफ्रीका से हमारे दोस्त है। हाय, हेलो हेलो। तो देख सकते हो बिल्कुल इंटरनेशनल माहौल भी होता है यहाँ पे, तो आप आराम से आ सकते हो, मज़े कर सकते हो, भूख लगे तो बैठो आराम से खाओ, दोस्तों के साथ बैठ के मज़े करो। ठीक है, चलो आगे मिलेंगे। यार लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकते क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर ज़्यादा ज़ोर से बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप देख सकते हो ढेर सारे बुक्स हैं, कोई भी बुक उठाओ आराम से, और पढ़ने के लिए तो इतना ज़बरदस्त माहौल है ना, आज आपको मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल शांत वातावरण है, आप कहीं पर भी आराम से आके बैठ जाओ और बस अपनी पढ़ाई करो, मतलब बुक्स चाहिए और पढ़ने की इच्छा, आराम से कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी तो मैंने आपको दिखा दी थी, चलो आ जाओ ओपन लाइब्रेरी पर दिखाता हूँ। तो ओपन लाइब्रेरी वो जगह है जहाँ पर आराम से आप आके बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठ जाओ एंड उसके बाद यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो आप आराम से, एंड पढ़ाई के साथ साथ चाय पीना हो गया, कॉफ़ी पीना हो गया, तो बिल्कुल वो भी आराम से कर सकते हो। माहौल तो आप देखे हो यार, कितना अच्छा मौसम है, हवा भी बहुत प्यारा चल रहा है, तो पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। चलो आपको दूसरी जगह लेके चलता हूँ। आप जिस मर्जी कॉलेज में चले जाओ, अगर आपको रहने की जगह अच्छी नहीं मिलती ना, तो आपको वहाँ पे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चलो इस कॉलेज में रूम्स कैसे हैं वो मैं आपको जाके दिखाता हूँ। हेलो भाई, दिखा दे आपका रूम। वेलकम वेलकम वेलकम। सुपर स्पीड, पुश योरसेल्फ बिकॉज़ नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। क्या बात है यार, वेलकम, बाहर से ही मोटिवेशन है। और ये इनका रूम है, तो रूम तो डबल ऑक्यूपेंसी रूम है ना? हाँ, डबल ऑक्यूपेंसी रूम है,
हमें डोज बेड है, हमें टेबल्स मिले हैं, राइट, वी हैव ड्रॉअर्स, ओके, सीट की ड्रॉअर ऊपर के हैं, गॉट दिस, वाओ, बेड के नीचे भी है, वी गॉट अलमीरा, ओके, दो अलमीरा है, एसी भी है, हर रूम में एसी है ना, हर रूम में एसी है, और ये विंडोज है बेसिकली, ओके, तो कैसी फ्रेश एयर, क्या बात है, मोर ऑफ अ होम, अवे होम, तो कैसा लगता है, घर जैसा लगता है, नहीं लगता है, हाँ, रिलैक्सिंग है, सही बात है, आते रिलैक्स, घर ही है, बढ़िया है, ओवरऑल रूम का आपका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे? यार रूम लिटरली बहुत अच्छा है, ठीक है, इसमें आप स्पेशियस है रूम, ठीक है, यू हैव सीन द बेड्स, डबल ऑक्यूपेंसी हर चीज के लिए, वी हैव द फ्लग, एवरीथिंग सेपरेट है, दोनों आराम से रहते हैं, और एसी है, फैन है, उसमें कोई कमी नहीं, यू कैन सी द लाइट्स, वी हैव टू लाइट्स, राइट, सो ओवरऑल आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5. ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच रूम टूर देने के लिए. हॉस्टल रूम्स तो काफी अच्छे हैं ही, साथ में यहाँ पे आपको हॉस्टल रूम्स के बाहर कॉमन रूम भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है, चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ. यार आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको फ्रिज वगैरह देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको जो भी रखना है आराम से रख सकते हो, देन आपको माइक्रोवेव भी यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ से कॉलेज का काफी अच्छा व्यू भी आता है, तो वो भी एक बार आप देख सकते हो, तो कॉलेज का काफी अच्छा व्यू यहाँ पे आ जाएगा. इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ आराम से बैठ सकते हो, जैसा कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, चलो इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं. यार ये बताओ कि आप लोगों को हॉस्टल लाइफ में मजा आता है यहाँ पे? मतलब हॉस्टल लाइफ कैसी है आपकी यहाँ पे? बहुत अच्छी है, मतलब जैसे सोचा था उससे ज्यादा ही, सबसे ज्यादा अच्छी यहाँ पे. रूम्स वगैरह कैसे यहाँ पे? अच्छे हैं, क्लीनलीनेस पूरी रहती है, अच्छा, सुबह साफ सफाई के लिए भी आ जाते हैं, और मैंने सुना ए सी रूम्स वगैरह है, वो अच्छे से चलते हैं, उनकी बस नाम क्या है? नहीं नहीं चल रहा है, चल रहता है ना. कैन यू सजेस्ट दिस कॉलेज टू योर जूनियर्स? यस यू विल. व्हाट अबाउट यू? सेम. तो देख सकते हो काफी अच्छी जगह है यहाँ पे, चलो अब आपको आगे लेके चलता हूँ मैं. चलो यार अभी मैं आपको लेके चलता हूँ क्रिएटिविटी फ्लोर पे, एंड क्रिएटिविटी फ्लोर में यार इतने क्रिएटिव चीजें आपको देखने को मिलेगी ना कि आप देखते रह जाओगे, तो चलो आपको दिखाता हूँ. अभी मैं आपको लेके चलता हूँ फैशन स्टूडियो में, यहाँ पे इसको मैनेज करती है खुशी. खुशी भी एक स्टूडेंट है, तो खुशी ने बहुत सारी चीजें बनाई. पहले तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ. तो चलो यार अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ की जो स्विमिंग पूल है वो भी काफी अच्छी है. तो गर्मी आपको पता ही, हरियाणा में यार कितनी ज्यादा गर्मी है, तो स्विमिंग पूल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हो, स्विमिंग पूल में जा सकते हो एंड मजे कर सकते हो. तो चलो वो जगह लेके चलता हूँ. यार स्पोर्ट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो या यूनिवर्सिटी में हो, और आपको पता है मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो चलो क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे क्योंकि लोग क्रिकेट खेल रहे हैं. तो चलो यार बॉलिंग कर लिया, थोड़ा बैटिंग में हाथ मारते. तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन टेनिस का भी है, एंड उसके जस्ट पीछे बास्केटबॉल का भी कोर्ट है, काफ़ी अच्छी जगह है ये. और पीछे इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ भी अभी हम लोग जाने वाले हैं. इंडोर स्पोर्ट्स भी दिखाते हैं आपको, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है. अभी मैं जहाँ पे आया हूँ यहाँ पे बैडमिंटन चल रहा है, तो आप पीछे देख सकते हो बैडमिंटन खेल रहे हैं लोग, तो देखता हूँ मुझे खेलने का मौका मिला तो मैं भी खेलूँगा. कॉलेज में रह रहे हो और अगर बॉडी नहीं बनाई अच्छी तो फिर क्या फायदा, तो कॉलेज में जिम होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो चलो मैं आपको इस कॉलेज की बहुत तगड़ी जिम पे दिखाता हूँ अभी. चलो जिम में आए तो थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, और मैं क्योंकि ओवरवेट हो चुका हूँ, आपको बताइए क्या करना जरूरी है, कार्डियो, थोड़ा कार्डियो करते हैं, बाकी चीजें भी है, वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. तो चलो यार अब आपको मैं लेके चलता हूँ स्टूडेंट इंटरेक्शन की तरफ, स्टूडेंट से बातचीत करेंगे क्योंकि सबसे मेन चीज़ तो वही होती है स्टूडेंट क्या बोलते हैं अपने कॉलेज के बारे में. तो उनसे बातें करते हैं, उनसे सुनते हैं कि उनको अपना कॉलेज कैसा लगता है, एंड तभी जाके आपको सच्चाई पता चलेगी इस कॉलेज की. हाय,
तो सबसे पहले तो ये बताओ यार कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है, मजा आता है? भाई कॉलेज लाइफ में ना बहुत मजा आता है, सच बताऊं रियली, मतलब इतना मजा आता है मतलब सोच भी नहीं सकता। मतलब जो बंदा यहाँ पे आएगा देखेगा कि भाई इतने हम साथ में बैठे रहते हैं, बच्चे रात में पढ़ते भी हैं, गाते भी हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, जब मूवी वगैरह तो हम थिएटर में देखने जाते हैं। मतलब बहुत इतना मजा आ रहा है ना लाइफ में, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे ज्यादा मजा आ रहा है। और भाई जैसे वर्ल्ड कप चल रहा था तो सभी बच्चे साथ बैठ के देख रहे हैं, जब चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, और अच्छे से बहुत खाने पीने का भी बिल्कुल एक नंबर का, मतलब बहुत मजा आ रहा है उस लाइफ में। अच्छा आप ये बताओ कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी अपना बैचलर का कोर्स लॉन्च करने वाली है CS और AI में, तो आप उसके लिए एक्साइटेड हो? हम बहुत एक्साइटेड है, उससे ना हमें कुछ न्यू प्रोजेक्ट PPT बनाना, कुछ न्यू सब्जेक्ट आता है ना तो उससे हम ले सकते हैं, तो इसके लिए हम बहुत एक्साइटेड है। तो आप रेकमेंड करोगे कि अपने जूनियर्स को कि इस कॉलेज में आए क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी है? बिल्कुल करेंगे भाई, बिल मतलब आओ देखो, पहले तो देखो कि क्या है क्या नहीं, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है, बंदे मतलब इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, उन्होंने बहुत अच्छा है, एक बार आओ देखो और फिर देखो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहे तुम्हारा भी, बहुत मजा आएगा तुम्हें यहाँ पे देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो बेसिकली पहले तो अपना नाम बता दो यार तुम लोग। ओके तो पहले ये बताओ कि कॉलेज कैसा लगता है ओवरऑल? ओवरऑल कॉलेज तो अच्छा है, लाइक मेरे कोर्सेज भी अच्छे हैं, बाकी डीन और यहाँ की फैकल्टी भी काफ़ी सपोर्टिंग है, और यहाँ का करिकुलम भी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है बच्चों के हिसाब से। आपका डेली रूटीन क्या रहता है कॉलेज में? डेली रूटीन बेसिकली सुबह हमारी कॉमन क्लासेस होती है, विच इज़ आर एसेंशियल्स, एंड उसके बाद हमारी मेजर्स होती है, मेजर्स में अलग अलग पार्ट्स प्रेजेंटेशन होते हैं, और उसके बाद हमारा शाम में आनंदम होता है, एक या डेढ़ घंटे का स्पोर्ट्स। ओके तो उसमें आप क्या क्या खेलते हो? उसमें बास्केटबॉल, योगा, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, स्विमिंग, और इंटीरियर मतलब और भी गेम्स हैं। तो क्या आप जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं उनको सजेस्ट करोगे कि ये कॉलेज में आए? हाँ। आपका क्या ओपिनियन है? रिकमेंड करूँगा लाइक। थैंक यू सो मच। तो यार अभी मैं खड़ा हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत ही सुंदर कैंपस में, एंड इसके बारे में मैं कुछ खास चीज़ें आपको बताता हूँ। इंडस्ट्री के टॉप मेंटर यहाँ पे आपको गाइड करेंगे, मेंटोर करेंगे, जैसे कि टॉप कंपनीज के CXOs, Amazon, Google, Flipkart। इसके साथ ही इस कॉलेज में आपको 6 महीने की गारंटीड इंटर्नशिप देखने को मिलेगी विथ गारंटीड स्टाइपेंड, है ना? तो ये चीज़ शायद ही किसी कॉलेज में अवेलेबल है यार। इसके अलावा मान लो आपको इंटर्नशिप नहीं करनी, आपको बाहर के किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है, जैसे मान लो सिलिकॉन वैली, इजराइल, सिंगापुर, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड प्लेसमेंट के बारे में भी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है क्योंकि टॉप MNCs, आपके टॉप स्टार्टअप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप खुद का स्टार्टअप बिल्ड करना चाहते हो ना तो वो भी कर सकते हो, और फंडिंग कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी, वो भी up to 1 crore। एंड सारे स्टूडेंट्स को मैकबुक M2 प्रो मिलने वाला है यार, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मतलब एक कॉलेज आपको मैकबुक प्रो दे रहा है, ठीक है? एंड इसके साथ ही आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 100% स्कॉलरशिप तक मिल जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट फ्री में आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको NSAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, न्यूटन स्कॉलरस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। एंड एडमिशन सिर्फ NSAT के थ्रू ही होगा, तो जल्दी से जाके आप वहाँ पे साइन अप कर सकते हो, एंड जो भी आपको डाउट हो वहाँ पे जाके आप पूछ सकते हो, ठीक है? एंड अगर आप ऑफलाइन भी आ सकते हो तो यहाँ पे भी आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो आप वहाँ पे साइन अप करो, जो भी क्वेरीज है पूछो, एंड डेफिनेटली इस कॉलेज के लिए रजिस्टर करो क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन स्कूल क्यों? तो न्यूटन स्कूल इसलिए क्योंकि इनके कोर्सेज डिजाइंड है स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस और AI के लिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा जॉब और डिमांड अगर किसी फील्ड की है वो कंप्यूटर साइंस और AI की ही है। एंड अगर आपको खुद का स्टार्टअप भी बिल्ड करना है तो इस सेक्टर कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी ही चाहिए, लिमिटेड सीट्स है, तो जल्दी से जल्दी जाके रजिस्टर कर दो क्योंकि मौका कहीं आपके हाथ से निकल ना जाए। यार मैंने तो आपको पूरा कॉलेज दिखा दिया, एंड मेरे अब जाने का टाइम हो गया, लेकिन आप अपने आने का टाइम बना सकते हो। कैसे? NSAT का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, जो भी डाउट हो जाके वहां पे पूछो, ठीक है? चलो बाय।